इस गांव के मेले में आने वाले सबका हार्दिक स्वागत है और यहां जो मैच होने वाला है उसके लिए दोनों तरफ की टीम मैदान में तैयार है। दोनों टीम के प्लेयर जोश में हैं। अभी देखते हैं दोनों में से कौन टीम जीतती है। एक तरफ मुत्तू काले की टीम है और दूसरी तरफ भोला भाई की टीम है। मुत्तू काले की टीम की तरफ से पहले सज्जन सिंह जाने वाले हैं। भांजे, तुझे एक बार भी अंदर नहीं जाने दिया ना, तू रेडी रहे, मैं जाकर अंदर से आता हूँ, तू अपने मामा का आइडिया देखते रहना। ये क्या हो रहा है भाई, यकीन नहीं हो रहा है ना? ए, मेरे को देख के डरना नहीं और मेरी लात खा के मरना नहीं, ये आ गया। मेरा भांजा कैसे इन लोगों के छक्के छुड़ाएगा? हाँ भांजा, इधर से पकड़ पकड़ इसको, ले 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 इसको ले। कबड्डी 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 ये। अरे तुम्हारे में दम है तो मेरे भांजे को पकड़ के दिखाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। एक बात बोलो भांजे। हाँ बोलो। अगर ये बारिश नहीं आई होती तो आज कितना मजा आता है ना। अपना बौना और उसकी बीवी ने जमकर डांस किया। हाँ अगर बीच में बारिश आ गई ना। ए भांजे, वो देख अपने गांव की बस आ गई, चल। ए देख के देख के देख के चल। कैसा लगा? सुपर भांजे। अरे बाप रे, दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, उसे भी बिगाड़ रहा है तू। बुढ़ा हो गया है फिर भी नहीं समझता। कबड्डी खेलता है कबड्डी, साथ में कप लेकर आया है। कह रहे तू सुधरने वाला नहीं है और ना ही उसे कभी सुधरने देगा। इतना मारा मैंने तुझे फिर भी दीवार के जैसा खड़ा है, कोई भी असर नहीं होता। दिल तो करता नाक तोड़ दूं। कमीना बदमाश। जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हिम्मत रख, हिम्मत रख, हिम्मत रख रे। पता नहीं क्या समझते हैं, कल यही बेल्ट मुझे मारने के लिए फिर से ढूंढेंगे, फिर बोलेंगे बेल्ट कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, बेल्ट कहाँ है। यही तो रहा, कोई काम धंधा है भी नहीं इनके पास। ये बेल्ट मैं यहाँ पे संभाल के रख देता हूँ। अच्छा सुन भांजे,
भांजे भांजे आकर खाना खा ले। कुछ मिला क्या? नहीं भांजे। क्यों मामा, आज कुछ ज्यादा नहीं मिला क्या? वापस आते वक्त रास्ते पर एक तालाब मिला था तो उसी में नहाया और उसके अंदर एक कीड़े ने काट लिया। बहुत जोरदार खुजली हो रही थी। तेरे बाप ने जो मस्त धोया है उसके बाद तो मेरी खुजली मिट गई। ये क्या हो गया है तुझे? इस तरह तू तड़ाक वाली बातें क्यों कर रहे हो? अगर जीजा को मैंने ज्यादा इज्जत दे दी तो तू मुझे छोड़ेगी क्या? ए भांजे, तेरे को ज्यादा तो नहीं पीटा ना? अरे वो सब छोड़ो मामा, ये देखो आप। अरे मच्छी का सांभर बनाया है। ए, मेरी बहन का हाथ का बनाया हुआ और मैंने नहीं खा। ए दीदी आराम से, क्या कर रही हो? खाना दे रही हूँ। मैं कोई भूख भरा हूँ क्या? ला इधर दे। अब चावल भी डाल। दीदी अब क्या हुआ? वो चम्मच किसके लिए है? इधर लो। रुको 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 रुको। बस इतना ही? बस बहुत हो गया, हो गया, हो गया, बस इतना ही। इधर क्या देख रहा है? खुद खाना खाना? कैसे बेहुदा ढंग से खा रहे हो आप? क्या हुआ? मेरा कांटा टूट गया। लोहे का दांत लगवाना चाहिए था ना। अरे बुढ़िया, वो अभी तक जिंदा ही है क्या? मेरी दीदी को जब यहाँ शादी करवाई थी तब मैंने खुद तुझे दहेज में यहाँ भेजा था। अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, अब तू दीदी से बात कर। तो ज्यादा नखरे मत दिखा मुझे। बेटी कह रहे हैं गांव में किसी को बिच्छू ने काट लिया है, तू जाकर देख के आना उसे क्या हुआ है। मैं देखती हूँ। तुम चुप क्यों नहीं रहते? हाँ ठीक है। ए, क्या है? खाएगी क्या? ये ले, खाएगी ना? ले मुंह। अच्छे से खा, मेरे घर की सारी दौलत खा जा तू। अगर मेरा होता तो पूरा गाँव है की टाइम से मर रहा है और ये बुढ़िया है की मरने का नाम नहीं लेती। पेट फटने तक खाना खाया और अब डकार ले रहा है। दोनों खाओ और आवारा जैसा गांव में घूमते रहो। अरे कम से कम आज तो एक सही काम करो, आज रात में जाग कर धान के खेत में पानी डाल दो, ठीक है? मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। क्या हुआ, क्या बात? आपके पास है ना एक बड़ा सा चार्ज लाइट? किस लिए? अंधेरे में जा रहे हैं, कीड़े काट सकते हैं। जो कीड़ा तुझे काटेगा वही मर जाएगा, तेरे अंदर जहर भरा है, चल भाग। ठीक है, कीड़े काटेंगे इन्हें। जरा देख दो भांजे, वो बोना कढ़ाई में बैठकर इस तरफ ही आ रहा है। हाँ मामा। कहाँ? एक हाथ ही चूहे को धक्का मार कर ले जा रहा। ये चूहा नहीं है, मेरा पति है। ठीक से जरा देख तो ले। बहुत अच्छे से। हाँ तो सिर्फ अच्छे से देख ही सकता है। अरे तू इससे फालतू में बहस क्यों कर रही है, चलना परोठे बनाओगी क्या? लाओ देखो। अरे मामा अभी। आखिर दिखाई दे ही गई। अरे 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 दीदी गिर गई, चलो चलो हम चलते हैं। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे जल्दी करो। अरे ये क्या हो गया, ये यहाँ पर फंस गया है। बांजे ये आवाज कैसी है? कोई नाक पकड़ में आ गया क्या? हाँ कुछ लंबी चीज हाथ में लगी है। फंसेगा फंसेगा। क्या कहा? सांप बहुत लंबा है तो जान से मार दे। वही देख रहा हूँ कि कैसे मारूं। देखेगा देखेगा। देख रहा है ना, सही से देखना है उसको, कहीं दांत ना लग जाए। दांत नहीं, मैं तो गले लगाना चाहता हूँ। हाँ अपनी शक्ल तो देख। ये निकल गई। हाँ हाँ तुम तो ऐसे बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ओफो। हाँ दुपट्टा दो। रास्ते में क्या खड़ा सर? अबे अंधे। अबे अरे इसे समझाना क्या कर रहा है ये? अरे रे ये तो मौके पे चौका मार रहा है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तेरी बीवी को बचा ले, मेरा मामा पागल हो गया है। अबे अरे हट ना। ए क्या कर रहा है तू? हाँ मेरी बीवी से चिपक रहा है। अबे उसकी पप्पी क्यों ले रहा है तू? अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं, चलिए ना। तुम मेरी ही बीवी हो ना, मेरी मत मारी थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली, बर्बाद हो गया मैं। क्या मामा, ये बोने को कौन से लेवल से देखूं? ये अपनी बीवी को कभी नहीं उठा सकता। ये पवन ना जो मेरे को लगता है अपनी बीवी को कभी नहीं उठा पाएगा। देखो मामा, हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है ना, लेकिन उसको हाँकने वाला उससे कम वजन का होता है, वैसे ही ये अपना बौना भी है। सही बात है, गाड़ी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, चावी छोटी ही लगती है। बिल्कुल सही मामा।
कहाँ साइकिल लेके कहाँ जा रहे हो मामा? इसे कहाँ लेकर घूमूंगा? फिल्म खत्म होने तक ये साइकिल स्क्रीन के बाजू में ही खड़ी रहेगी, देख लेना। फिल्म थिएटर अपनी जगह पर ही आता है क्या? चलो मामा चलो। ए भांजे आजा आजा आजा। मामा ले जा। ए सुन सुन सुन, तू मर्दों की लाइन में जा, मैं औरतों की लाइन में जाता हूँ। ठीक है मामा। ए ए हट रे। अरे ए ले ले। अबे ये पनौती हट दूर है। अबे कौन है ये? ए अबे तू हमारे पीछे क्यों पड़ा है बे? अबे ये मेरी बीवी है, तेरी नहीं। तेरा साथी वहाँ पर है और तू यहाँ। उसे बुला, अभी फैसला हो जाएगा ये तेरी बीवी है या मेरी बीवी है, समझा? ये तेरी बीवी है क्या? तो फिर मैं बाद में मिल लूंगा। चला एक हाथ पकड़ना, एक क्या पकड़ रहा है? छोड़। ए हट जाओ, हटने दो मामा को। मामा बैठ जाओ आराम से। हटना, पीछे उठना। तू भी उधर मार। बैठने दे यार। ए क्या बात है, ये हुई ना बात, मजा आ गया। जी 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 जी, ये सब क्या डाला है मामा? अरे रे रे, ये सब क्या हो गया रे? औरतों के बीच में से आया हूँ ना, तो उनकी तरफ से गिफ्ट मिला है मेरे को। हमारे छोटे जमींदार जिंदाबाद, 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 हमारे छोटे जमींदार जिंदाबाद। दीदी दीदी ए दीदी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? फिल्म देखिए ना। हिम्मत कैसे हुई मेरी बात नहीं मानने की? नहीं छोड़ूंगा तुझे। और ले, ये ले। कहाँ जा रहा है? रुक। रे 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 रे। मैं भांजे देखता हूँ। सर को कोई तेरे भी से मार रहा है। क्या हुआ मामा? ए, तेरे में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये तोमर सर को मार रहा है। अरे कौन है? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ए हट जा सर। ए हट, छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा। ए हट जा। आ रहा हूं मैं। मार रहा हूं, काट डालूंगा। मेरे कौन है? छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। ए ये ले, हट जा। ये कोई हाथ नहीं लगेगा। ये हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें एहसान की क्या जरूरत है? भांजे, ए भांजे, ए भांजे, यही तो तेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझे हमेशा अकेला छोड़कर भाग जाता है। ऐसी हालत में घर जाऊंगा तो जीजा भी मारेगा रे। इस सीढ़ी पे चढ़कर किसका इंतजार कर रहा हूँ? नी मोरनी के लिए। ए पागल, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ? क्या जी, मेरे घर वाले बाहर जाएंगे तभी तो मैं आ सकती हूँ ना। एक आखिरी बात समझ ले। हाँ? इसके बाद मैं इंतजार नहीं करूँगा। क्यों? इस गांव में सिर्फ तू ही है, फर्जी वोट भी तू ही है। क्या मैं फर्जी वोट हूँ क्या? फर्जी वोट के बिना नेता लोग जी सकते हैं क्या? अच्छा ये बताओ, राजनेता राजनेता कर रहे हो, कहाँ से खड़े हो रहे हो? सुबह उठने के बाद औरत लोग कहाँ जाती हैं? नल के पास। वो ही नलकूप मेरी निशानी है। तुम बड़े बदमाश हो, सारी औरतों को तुमने अपने हाथ में रखा है। तुझे देखकर चुटकी करने का मन करता है। छोड़ मुझे, छोड़। कहाँ भाग रही हो? शरारती कहीं के, मुझे बहुत परेशान करते हो। मैं रेडी हूँ। आजा बाजू में। अरे आजा, दूर रहो मुझे, दूर रहो। अरे आजा इधर आजा। अरे आजा ना, अरे रुक जाओ, मैं शरारती में दौड़ नहीं सकता। केले का साइज का तू है नहीं और भाषण दे रहा है हमको। ये केले उठा के लेके जा और टमाटर वाले से पैसे लेके आ। लेकर आता हूँ, लेकर आता हूँ। जा रे, बोला ना तेरे को। अरे ये तो मेरी वाली है। ए भांजे, क्या हुआ मामा? पैर को कुचल दिया ना मामा। मामा अगर मैं आपसे कुछ लाने को कहूंगा तो आप लाकर दोगे ना? इतनी सी बात है क्या? ये कौन सी बड़ी बात है? ये बाजार ही अपनी ही जगह पर लगा हुआ है। मेरा भांजा जो भी खुशी से चाहता है उसे मैं खुशी से लेकर दूंगा। ए मेरा भांजा जो भी चाहेगा वो दे देने का, नहीं तो यहाँ बाजार में कोई भी दुकान नहीं लगा सकता। समझ में आया कि नहीं?
मामा पहले इसे बुलाओ। सुन रहे, ठीक है, जब यहाँ पे तेरे को पता है कि लड़कियों का सामान बिकता है तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल निकल, नहीं तो मार जाएगा। चल चल हट। मामा मामा वो रिबन मुझे दिलवा दो ना मामा। ए? उसका तू क्या करेगा रे, वो तो लड़कियों के लिए होता है रे। आ, मामा मुझे वो चाहिए प्लीज। अरे रे रे, ये ऐसा क्यों हो गया रे? ए इधर ला, ये ले। ए बुढ़िया, ये देख क्या मेकओवर किए हो आज। अगर मुझे छेड़ा ना अपने पति से कह दूंगी। ए क्यों भांजे, क्या लगता है ये अपने पति को बोल देगी क्या? अरे वो सब छोड़ो, वहाँ चलते हैं, आओ। ये तो पीछे ही आ रहा। क्या हुआ दादी? तूने बोला था ना मुझे अगले हफ्ते लेकर देगी। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? मामा दादी? मुझे भी ये दिलवाओ ना प्लीज। अरे वो तुझे किस लिए चाहिए? ए बुढ़िया क्या बोलती है, तुझे क्या लगता है ये सब खरीदेगी तो तेरा पति खुश हो जाएगा? मेरे पति को मैं जानती हूँ कि तू जानता है। आया बड़ा, बात तो एकदम सही कही है। ये तो मुझे कॉपी कर रहा है। रुको रुको, एक बकरे का 10 रुपया तो 20 बकरे का 200 निकालो। पैसे मांगता है? किसके पैसे, कितने पैसे? मेरा नाम नहीं जानता क्या? शेखा पूरा इलाका डरता है मुझसे, पैसे लेगा मुझसे। और कितने पैसे चाहिए? साहब साहब। ए भाई उठो उठो उठो। ए छोटे क्यों क्यों मारा था तू इसे? तू क्या डॉक्टर है? हाँ क्यों मारा इसे? वैसे इसने क्या गलती की? बकरा अगर बाजार में लेकर आते हो तो 20 रुपए देने का नियम होता है। इस मेले में बैठने के लिए जिन्होंने जगह दे उनके लिए। आप लोग तो मेले में आते हो और चले जाते हो, बाद में उसे साफ करना होता है और उसे पगार देना होता है, पैसे दे दो। हाँ तुम जैसे लोग मेला देखते ही भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। जावे मामा, उनको किसने मारा देखो। अरे मामा को कौन मारेगा? अरे आपको नहीं, वहाँ किसी को मारा। मुझे कौन मारेगा बोल? अरे आप आओ ना मेरे साथ। चलो निकालो पैसे, बस ले हुए चंडी में निकालो, चंडी में। जो मार रहा है उठा ले, उसको पकड़ के मार। अब मैं बैल की औलाद हूँ। भाई भाई भाई, अरे भाई क्या हुआ, किसने पटका? ये मुझे मार रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। तो हम लोगों ने कब झगड़ा किया है भाई? अरे तो सबको बुलाओ ना। रानी जग्गू जम्बू नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ। हाँ चलो। उठा उठा कर मार रहे हैं सबको। अरे भाई आपने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। मैं सबका नाम याद करता फिरूंगा क्या? जाना मारो से, जाना मार। भाई अब उठिए भाई, उठ पाता तो उठता नहीं क्या? चल हाथ दे उठा मुझे। हम तो खोखले हैं ही, हमने जो आदमी पाल रखे हैं वो भी खोखले हैं। भाई बेटा झगड़ा मत करो बेटा, छोड़ दो छोड़ दो। अरे वो तो बिना पंख क्यों उड़ रहा है? चलो 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 चलो, आओ भागो 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 भागो। ए भांजे ये सिर्फ हमको देख रहे हैं, तू उठा उठा के मार, संभल के। तू यहाँ है? चलो चलो। अरे इनसे कुछ नहीं होने वाला। कोई आएगा जिसको मेरे से टकराने का? ए तू क्या रहा है? तेरा साइज तो देख और फिर मेरा साइज देख, तेरे मेरे बीच में कोई टक्कर नहीं हो सकती। ये ले ये ले ये भी ले। ए पावड़े तेरी मेरी जमने वाली नहीं है समझा, तेरे बराबरी का इंसान ना वो ही है और उसी से जाके भिड़ ले समझा, और मजे भी ले। तेरी तो मैं भाई। अरे बाप रे, तुम लोगों से कुछ भी नहीं हुआ? तुम लोगों ने मेरा नाम डुबा दिया भाई। हम लोगों को बहुत धोया उसने भाई, उसने हम लोगों को बहुत मारा। तो तुम लोग यहाँ पर बैठे हो? हाँ ये ले, अरे तू भी ले।
और तू भी ले। अरे छोटे तो मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। भाई से लगता है ना, भाई से लगता है। अच्छा भाई मैं चलता हूं, चलो भाई भी मार, भाई चलता हूं, अब नहीं आऊंगा दोबारा, मैं यहां दिखाई भी नहीं दूंगा। ए चल चल, कोई नहीं आएगा अभी। हां दिमाग खराब है तुम्हारा, दिमाग खराब है तुम्हारा। कब से कह रहा हूँ झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। झगड़ा मत करना कहा था ना मैंने, 20 रुपए का मामला था, बात करके मामला सुलझ जाता। 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कौन भरेगा? तेरे बाप को देना होगा। क्या बोला? मेरे बाप को देना होगा? अरे मर गया। चलो बेटी चलो घर चले, चलो। मामा मामा क्या है बे? हमने हर बार की तरह गलती की है। हाँ समझ गया, पापा हमें मारने वाले हैं। हाँ। तो आप मुझे बचा लेंगे ना? जी वो कैसे? मुझे ये करना होगा कि मैं अंदर जाता हूँ और पापा से माफी मांग लेता हूँ, वो माफ कर देंगे। भांजे एक नया आइडिया है, मैं भी ना आजकल खूब फिल्में देख रहा हूँ, अंदर जाके मेरी एक्टिंग और मेरा परफॉर्मेंस देखकर तेरा बाप एकदम पागल हो जाएगा। तू यहीं वेट कर, मैं अभी अंदर जाके बाहर आता हूँ। ऑल द बेस्ट मामा। क्या हुआ? ऐसे भागते हुए कहां से आ रहे हो? कुछ नहीं जी अजी, बस बाजार गया था। हाँ? वहाँ एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? हाँ जीजा जी, अपने गांव के लड़कों को बाहर के गांव के लड़के मार रहे ऐसा थे। क्या? तो उनको देखकर मैं चुपचाप बैठ सकता था क्या? वो भी तो चुपचाप नहीं बैठ सकता है। एक एक लड़के को पकड़ के मैंने ऐसा मारा कि हाँ? बिना चप्पल के वो अपना गांव चले गए। सारा गांव मेरी तारीफ कर रहा था। वाह। लेकिन इसी झगड़े के बीच में हाँ? गाँव में जो आसपास की चीजें रखी हुई थी ना, वो भी थोड़ी सी टूट फूट गई। तो सब लोग मेरे पे चिल्लाने लगे। हाँ? 2 लोग का नुकसान हो गया। मैंने कहा वो तो मेरे धूल के बराबर है, वो तो मेरे जीजा यूं ही तुम्हें दे देंगे। एक बात बोलूं जीजा, अगर ये सब हम लोग नहीं करते तो फिर कौन करता? इसीलिए थोड़े से थक गए, अब अंदर जाके हम थोड़ा सा खाना खाएंगे और आराम से चादर ओढ़ के सो जाएंगे। फिर उठेंगे, थोड़ी थकान होगी तो हम शाम को उसी मेले में जाके फिर से लड़के आएंगे। चल इधर आ, तू तो बहुत होशियार है। वो कहाँ है? बस बाहर ही है, अभी आ रहा होगा। बाहर है? एक काम कर, तू अंदर जा, उसके आने के बाद साथ में खाना। मेरे जीजा जी जैसा किसी का दिल हो सकता है क्या? वाह जीजा जी वाह। अरे माँ, अरे पापा, ये माँ, ए जीजा जी मत मारो, मत मारो, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, अरे मत मारो, अरे मारो मत, अरे बाप रे। गुंडा गर्दी करता है, बाजार में जाकर झगड़ा करता है। एक बात सुन ले, ना तो तू आज के बाद घर में आएगा, ना ही वो घर के अंदर आएगा। चल भाग जा। हे भगवान आशीर्वाद दो अपना। हाँ कब तक लोग ये चूरन चढ़ाकर बेवकूफ बनाएंगे? अब तो आपको थोड़ी सी ऊंची चीज चढ़ानी चाहिए। भांजे भांजे, एक तो मामा क्या हुआ? लग रही ऊपर से, ये ले पकड़ पकड़। ला माचिस दे। ये लो मामा। भांजे तेरे बाप के पास सिर्फ 30 एकड़ ही जमीन थी, लेकिन आज वो 300 एकड़ हो चुकी है। वो तो मेरी माँ की है ना। टांगे तोड़ दूंगा तेरी। तेरे मामा से कुछ सीखा भी है कि नहीं? मामा से कभी भी पंगा नहीं लेने का। देख मामा कैसे चना भुनता है। मामा बस इसे जल्दी से भुन जाए, फिर इसे खाने में मामा मजा आएगा। भुन जाएगा रे, जरा रुक तो सही, अभी खा सकता है क्या? रुकना थोड़ा सा, ये देख अभी मस्त वाला बनेगा, फिर मसाला लगा के खाएंगे अपन। बहुत भूख लगी है ना मेरे भांजे को, अभी देख मैं खिलाता हूँ तेरे को। कितनी देर लगेगी मामा? बस 2 मिनट में ये हो जाएगा, थोड़ी देर रुक तो सही। अरे मामा घास में आग लग गई। अरे 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 मामा ये भागो, भागो मामा, भागो भागो। बस मालिक मालिक। अरे क्या हुआ? घास के ढेर में आग लग गई मालिक। अरे क्या बात कर रहा है? चलो चलो जल्दी चलो, घास के ढेर में आग लग गई है। तुम लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो, वहाँ घास में आग लग गई है, चलो जाओ। आग तो मामा ने लगाई है। घूमने जाना हो तो मामा याद आता है, और दिमाग की बात आई तो तेरा बाप। बता अपनी माँ को क्या बात है। ये क्या कह रहा है दीदी? इसे तुम्हें इतना बड़ा मसला मत समझो, बहुत छोटी सी बात है। भूख लगी थी तो चना सेक रहे थे, और इतने में हवा आई, आग उड़ के घास के ढेर में चली गई दीदी। इतनी सी बात का इतना बड़ा बवाल कर रही हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किस बात की कमी है तुम लोगों को? राजा की तरह तो जी रहे हो, इनकी बातें सुनने की क्या जरूरत है?
चुपचाप खाना खाते रहो, क्या जाता है तुम्हारा? एक दो काम कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? माँ, फालतू में इतना क्यों सुना रही हो मुझे? तुम मुझे कोई भी काम बताओ, मैं तुरंत करता हूँ। बोलो, आपको ये दूं या फिर मैं आपको ये खिलाऊं? बोलो, जो बोलोगी वो मैं करूँगा। मैं तुझे क्या काम बताऊँ बेटा? खुशी खुशी से और बड़ी मन्नतें मांगकर तुझे तुझे भगवान से पाया है। अगर तू एक काम ही करेगा ना बेटा, तो बहुत हो जाएगा। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि देने पहुंच जाना बेटा। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? दीदी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शांति से खाना खाने दो ना। खाना खाओ, तुम इसके दिल को मत दुखाओ, ठीक है? बेटा, तू इधर आ, आ जा। बड़े मालिक गलती हो गई। अरे रो मत बेटा, रो मत। ए, छोटे बच्चे को कोई ऐसे मारता है क्या? अरे बच्चे हैं ये, तो रास्ते में ही खेलेंगे, मुझे देखकर आना चाहिए था ना। अरे भाई, गलती मेरी है, जा बेटा तू जाकर खेल, जा। मालिक आप थोड़ा आंख खोलिए। आप बोलो क्या बात है? मालिक, आपकी आंखें बहुत लाल हो गई हैं। ये माँ का दूध है, इसे आंखों में डाल लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हें कहाँ से मिला? अपने घर में जो काम कर रहा है ना मुन्ना, उसकी बीवी को बच्चा हुआ है, उसके पास से लेकर आया हूँ, थोड़ा आंखों में। ओए, जान से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, ये मैं नहीं डाल सकता। दूध डालेगा दूध। दुनिया की ये मानी हुई चीज है, ये एक माँ का दूध है, इसमें भी ये आदमी जात देख रहा है। अरे बारिश हो रही है, बारिश में भीगूंगी तो माँ डांटेंगी। मैं अच्छा, जा रही हूँ। रुक जाओ ना, मुझे छोड़ के। मैं जा रही हूँ। अरे नहा रहे हैं तो बारिश हो रही है, कोई बात नहीं। ये लड़की भी ना। ए रुक जाओ, मत जाओ ना, इधर आ, रुक जाओ। ये किसने रखा? कौन हो सकता है? ये? क्या सोच रही हो? उस दिन बस में तुम्हारी चेन टूट गई थी ना, इसीलिए मैंने अपनी चेन को जुड़वाकर तुम्हारे लिए ये खास चेन बनवाई है, ताकि तुम इसे पहन सको। अभी तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये चेन लेकर आया हूँ, पर तुम देखती जाओ, जल्द ही मंगलसूत्र लाऊंगा।
जाता हूँ, बचाओ मुझे। उसे ट्रैक्टर चलाना चाहिए था, लेकिन उसने भाई आपकी बेटी के ऊपर नजर डाला। हम लोग चुप रहने वाली जाति नहीं है, मार डालने वाली जाति है। मार डाला भाई, आप चिंता मत कीजिए भाई, आप तो मेरे लिए भगवान की तरह हैं। यहां का सब कुछ मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरी जाति वालों को कुछ हुआ तो वो आपको संभालना है। ओहो, तो ये ऐसे पी रही है। बोलूं क्या? तुम ना बहुत बदमाश हो। कहाँ जा रही हो? मैं भी आता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो? संभल कर। अरे क्या हुआ? सांप ने काट लिया क्या? हाँ, कहाँ पे काटा? घबराओ मत, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ पे काटा है? कहाँ पे काटा है मुझे बताओ, दिखाओ मुझे। अरे दिखाओ कहाँ पे काटा है। घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा दर्द सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। इसे मैं टाइट से बांध देता हूँ, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। Oh!
पत्तियां तोड़ लेता हूँ, इससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये लो, इसे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ए पांजे, क्या हुआ रे तेरे को? बोल। दिन में तेरे बाप से डरता हूँ, रात को मैं तेरे से डरता हूँ। अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? मैंने शादी भी नहीं की, ये सोचा कि घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा और तुम लोग हो कि आधी रात को मामा चुप हो जाओ और चुपचाप मेरे साथ चलो। उठो। क्या है बे? मामा आज सुबह उसे सांप ने काट लिया था। अरे रे, उसके बाद फिर क्या? मैंने जड़ी बूटी खिलाकर उसे ठीक कर दिया और उसे कह दिया कि रात भर सोना मत। फिर ठीक है। मामा मैंने सपने में देखा कि उसे कुछ हो गया है, चलो चलकर देखते हैं ना। जा रहे, इतनी रात को बता रहा, पागल है क्या? तूने उसको जड़ी बूटी खिलाई थी ना, उसके बाद वो अपने घर चली गई। अब उसकी जिम्मेदारी उसकी माँ खुद उसके घर में संभालेगी, तू नहीं, समझा? उसने अपनी माँ को नहीं बताया होगा मामा। मुझे लगता है क्या कह रहा है बे? उसने मतलब सही जगह पर काटा है भांजे, फिर वो अपनी माँ को कैसे बताएगी? ए भांजे, अब वो लड़की चाहे जिंदा रहे या फिर ना रहे, तेरे को इससे क्या लेना देना? मामा कुछ भी बोलते हो। क्या बोल रहा है, एकदम पागल हो गया। इसके चक्कर में शर्ट पहनना ही पड़ेगा। चलो मैं चलता हूँ, इंतजार मत करना। अब अंदर कैसे जाएंगे? फालतू की बकवास करने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ दिमाग भी चलाना पड़ेगा। अब देख मैं कैसे दीवार को लांग कर जाता हूँ, ठीक वैसे ही तू भी आना। ठीक है मामा। आ जा। बांजे, कुत्ता है बे? अरे रे रे। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मामा कुत्ते को आप लेकर जा रहे हो। मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, अरे वही मेरे पीछे भी जा रहा है। आप अपने आप को बचा लो मामा, मुझे मेरी वाली को बचाना है। कौन से कमरे में होगी? अरे बाप रे, यहाँ तो होने वाले सास ससुर हैं। ये रात के 12 बजे बुढ़िया पाउडर लगा रही है, ये नहीं सुधरने वाली। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? देखो, तुम्हें सोना नहीं चाहिए, तुम्हें जगाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है, पर मैं जानती हूँ ये नहीं हो सकता। पर अगर आज तुम नहीं आते ना, तो मैं जिंदा नहीं बचती, सुबह मेरी लाश ही मिलती तुम्हें। ये क्या बोल रही हो? आइए। नमस्ते। नमस्ते जी। माँ कहाँ घूमने चली गई थी? यही थी माँ। हाँ नमस्कार। वो लोग कौन थे माँ? लड़के वाले आए थे तुझे देखने के लिए, कल ही तेरी मंगनी होगी। क्या कहा? हाँ, कह रहे थे तुझे पहले से ही जानते हैं,
लड़का बहुत अच्छा है, अमेरिका में काम करता है। कल सुबह जाने को कह रहे हैं, इसीलिए कल ही मंगनी करनी पड़ेगी। शादी में अभी और 10 दिन बचे हैं। शादी के बाद तू भी तो हमें छोड़कर अमेरिका सेटल हो जाएगी इतनी दूर, समझी? किससे पूछकर ये सब तय किया? मुझे शादी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छा काम होने जा रहा है और तू बेकार की बात कर रही है। अरे सुनिए, 4 किताबें पढ़ लेने से अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। जन्म देने वाली माँ से जुबान लड़ा रही है, जान से मार दूंगा तुम्हें। ये क्या कर रहे हैं आप? लड़की जवान हो गई है, जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाते। सुन बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगी, पर लगता है तुम्हारे साथ नहीं जी पाऊंगी मैं। पर तुम अपने गोद में मुझे सर रख कर मरने दो, क्योंकि क्योंकि कल सुबह होते ही वो लोग मेरी मंगनी किसी और से करा देंगे। सुबह होने के बाद करवाएंगे ना। करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हमारे घर में जो जानवर है वो भी अलग अलग रहते हैं। गाय अलग रहती है, भैंस अलग रहती है, जानता है क्यों? क्योंकि दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो ये गलत होगा, और तूने जो किया है ये उससे भी बड़ी गलती है। ऐसा मत कहो पापा, गंगा सच में बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, उसे स्वीकार कर लीजिए। कान खोल कर मेरी बात सुन। जिस वक्त तूने मेरा बेटा होने के बावजूद इसका पति बनने का फैसला किया, उसी वक्त तूने इस घर में आने का अपना हक खो दिया। चला जा यहाँ से, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। अब ना तो मैं तेरा बाप हूँ और ना ही तू मेरा बेटा, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। निकल जा यहाँ से। अरे बोला ना, तू अंदर जा। क्या कर रहा है तू? भी अंदर जा, चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? तू यहाँ क्या कर रहा है? इसने अलग जाति के लड़की से शादी की, हम लोग चुप बैठ सकते हैं क्या? जो मैं नहीं करना चाहता था वो तुम लोग करना चाहते हो क्या? कौन है अपनी जाति का? कौन है? क्या ये अपनी जाति का है? जब मैं इसे अपना बेटा ही नहीं मानता हूँ तो फिर ये अपनी जाति का कैसे हुआ? बताओ, कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारी जाति और जाति वालों के साथ अब तक जो हुआ वो काफी नहीं था क्या? अरे और कितने दिनों तक हम ये झेलेंगे?
मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग गलत हो, लेकिन इस वक्त यहाँ से चले जाओ, और इसके बावजूद आप लोग इसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम लोग क्यों चलो सुनो, इसका और हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर इसे काट कर फेंक भी दोगे तो कोई नहीं पूछेगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या रे, तू पूछेगा क्या? हाँ जीजा जी, आप क्या उसके बारे में पूछ रहे हो? अंदर जा, चल जा। क्यों जी, अपने बच्चों की जान लेने पर तुले? किसकी बात कर रही है, वो अपना बच्चा नहीं है। तू अंदर जा, चल जा, बोला हूँ अंदर जा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ साहब, ये हमारे परिवार को नहीं चाहिए, ये हमारे लिए मर चुकी है। जन्म देने वाले माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रख कर कह रहे हैं तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। छोड़ो, इस गांव में ऐसा बहुत हो गया, अब एक की भी जान नहीं जानी चाहिए, ये सब झेलना बहुत हो गया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप लोग चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। सुनिए जी, पूरे गांव में बेइज्जती करवाई है तूने, इनकी तो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी तू। चलो, हमने ऐसी क्या गलती कर दी? प्यार करना गलत है क्या? जब मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया, उसी पल से गंगा, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता था कि ये सब कुछ होगा गंगा, मेरे दादा ने ये जमीन का हिस्सा मरने से पहले मेरे नाम किया था, ये जमीन सिर्फ मेरे नाम पर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है गंगा, हम दोनों यहीं रहेंगे। चल अब तो निकाल, अभी दुकान खोली है भाई, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है, बोनी नहीं हुई है। ऐसा क्या, एक रुपए की? आप ये ले, आज तो बहुत अच्छी किस्मत है, बोनी हो गई ना।
चल हफ्ता निकाल। पैसा नहीं है भाई। पैसा नहीं है तो जेब क्यों दबा रखा है तूने? नहीं भाई वो माल भरने का पैसा है भाई। भाई भाई माल भरने का पैसा छोड़ दो भाई। सवेरे सवेरे ही पीना है तुझे भाई। भाई एक एक करके हमने 90 मार लिए हैं। और एक 90 का क्या हुआ? वो रखा है भाई। चखना है क्या? नहीं भाई ये ले इसे। भाई 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 चलो 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 सब लोग पैसा लेकर जा रहे हो। तुम लोग चढ़ कर मरोगे। हाँ भाई मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए ना। तेरे लायक यहाँ पर कोई काम नहीं है समझा? चल निकल यहाँ से। आप कोई भी काम बोलोगे तो मैं कर लूंगा। क्या बकवास कर रहा है यार, जाना है यहाँ से। बोला ना तेरे को, मेरी नींद खराब कर दी। मुनी अम्मा यहाँ नहीं चाहिए, वो बुढ़िया की दुकान है। भाई हम लोग नाश्ता करने से पहले चार लोगों को मारते हैं, हमसे ही शुरू करेंगे क्या? ऐसा क्या? ठीक है जा। हे बुढ़िया हफ्ता दे। क्या चाहिए बे तुझे? पैसे दे बोला ना। मूंगफली चाहिए। वो सब नहीं चाहिए, हफ्ता दे। दूसरा क्या हफ्ता चाहिए? हफ्ता दे चुपचाप। अरे नजदीक आके बोल। हफ्ता दे बोल रहा हूँ। अरे बाप रे मर गया। भागो भागो भागो। अगर हमला हो जाए ना तो भी आदमी बच जाए, लेकिन अगर बुढ़िया ने बम दाग दिया ना तो कोई नहीं बचता। तो अभी तक गया नहीं। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए ना भाई। काम ही ये बोल रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आता? बाप रे ये लोग कहाँ से आ गए? हफ्ता लेने के लिए मुझे हमेशा आना पड़ेगा भाई। मैं दे दूंगा भाई। अरे आप खड़े हैं भाई? अरे भाई नहीं है, यहीं से गुजर रहे थे ऐसे ही आ गए भाई, माफ करना है। सब्जी लेने को आए थे भाई। ठीक है भाई, चलते हैं भाई। हाँ मिलेंगे भाई। नहीं तो फिर बाय बाय। वो लोग इसे देख के इतना डर क्यों गए? भाई कुछ भी काम होगा तो मैं कर लूंगा। ए छोटे भाई, वो लोग इस गांव के एक एक आदमी को खा सकते हैं, फिर तुझे देख करके भाग क्यों गए? आखिर क्या बात है? अरे वो सब छोड़िए ना, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं तुझे काम के बारे में जो बोलूंगा नहीं, जो भी मिलता है उससे कुछ देता हूँ। ठीक है भाई, जा तू भी कुछ काम कर ले। जा जा। ठीक है, कैसे हो भाई? हाँ भाई, मुझे भी काम दे दो। आप मैकेनिक का काम जानते हैं क्या भाई? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो कुछ नहीं पता, और यहाँ के ओनर को भी कुछ नहीं पता, इसलिए पूछ। मैं कौन हूं ये तू जानता है क्या? तुझे कैसे पता चलेगा? जेल के अंदर मारा था ना, उस बदनसीब लड़के का बाप हूं। मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की थी, वो जहां पर काम करने गया था उस घर की लड़की ने ही उसका हाथ पकड़कर खींचा था। उसमें हमारी क्या गलती? उसने एक ही गलती की, तुम्हारे जाति के नेता के घर पे काम करके। तुम सब ने मिलके मेरे बच्चे को मार दिया ना, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन आज तेरे ही खानदान में और तेरे ही खून का और एक दूसरा खून मिल रहा है, वो भी तेरे परिवार में, और वो खून तेरे खून से मिल गया। इस सब का बदला भगवान ले रहे हैं, इसलिए तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और आवाज भी नहीं होगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैं आ गया हूँ, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम बिल्कुल मत रो।
क्या हुआ? संभाल कर खाओ, आराम से। अरे बाप रे, क्या हो गया? आराम से आराम से आराम से। रुको, मैं अभी आता हूँ। इससे काम चलाना पड़ेगा। ये लो, पी लो। अरे मुझे नहीं पीना। क्या हुआ? लो और पियो। अरे पियो ना। अब ठीक है। हिचकी रुक गई। ये ऐसा कौन सी दवा है? ये गांव की दवा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा लगा? मुझे और चाहिए। थोड़ी सी और दो ना। लगता है इसको चढ़ गई है। अरे बाप रे, जरूरत से ज्यादा चढ़ गई इसे। ये गांव वाले हम दोनों को क्या भगाएंगे? हम दोनों खुद भाग गए। अच्छा ऐसा है। और सुनो ना, हम ना एक नहीं 10 बच्चे पैदा करेंगे। क्यों? उन्हें अच्छे से बड़ा करेंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ओ, ओ। उनकी शादी करवा के अपना एक गांव बसाएंगे। अच्छा। ए, किसी की हिम्मत है तो सामने आओ। आजा बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ढूंढने के लिए मैं पूरे गांव में भटक रहा था, और तू है कि यहाँ इस झोपड़ी में थी मेरी सपना सुंदरी। ये कौन है? कौन है ये? ये मेरा पति है। तू मुझे पहले क्यों नहीं बताई? थोड़ा लेट हो गया ना। तो फिर ठीक है, पति कह रही हो तो फिर इस झोपड़ी में क्या गड़बड़ हो रही थी? तुम रो क्यों रही हो? अगर कोई बात है तो बताओ ना मुझे।
मैं क्या बताऊँ, जब से हम दोनों की शादी हुई है ना, एक आदमी हम दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, और उसको रोकने वाला गांव में कोई भी नहीं है। मैं हूँ ना, आप दोनों को एक साथ मिलके रखने का काम अब मेरा हुआ, मैं तुम दोनों को कैसे भी करके मिला के रहूंगा। क्या है की हमारा मिलना बहुत हो गया है, आप किसी बात की फिक्र मत करिए। मेरा बच्चा। छोटे को अपने बारे में मत बोलना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। देखिए वो आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, जाइए यहाँ से। अरे मुझे एक बार तो उससे मिलने दीजिए। मेरा बच्चा। चलो 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 क्यों रे पद्मा, तेरा पति कहाँ है रे? ए, पावड़ा स्वामी कहाँ है? तेरी तो अंदर घुसा दूंगा मैं। दो महीने से तेरा भांजा नहीं मिला मुझे, तू यहाँ से चला जा नहीं तो घुसा दूंगा मैं अंदर। इस डेढ़ फुटिये में इतनी हिम्मत आ गई, मतलब ये गांव वाले कितने गुस्से में होंगे। ए पावड़े, तू मेरे ऊपर चढ़कर बोलने जैसा वक्त आ गया, बहुत जल्दी मेरे भांजे से बोल दूंगा। अरे तेरी तो जाले जैसे। क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो? क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? अरे मुझे बताओगी क्या हुआ तुम्हें, बात क्या है? क्या हुआ? अच्छा हाँ? दो महीने से पेट से हूँ। अरे बेबे बहुत ही शर्म आ रही है। अभी जाके दीदी को बताता हूँ। दीदी दीदी। अरे छोटी क्या हो गया तुझे? बहुत ही बड़ी खुशी की बात है दीदी, हमारे भांजे की बीवी दो महीने के पेट से है। अरे तब तू उसे साड़ी देनी पड़ेगी, रुक जाती हूँ। जल्दी से लेके आना, पैक मारने के काम आएगा ऐसा लग रहा है। हाँ। पहले तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। इसमें चीनी है दीदी। अरे इधर ले। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं खुद भी खाऊंगा और पूरे गाँव को खिलाऊंगा। ए बुड्ढे थोड़ी सी तेरे लिए भी रखूंगा, मुँह करवा लेता तेरा। चुप चुप जी हो बेटा, सदा खुश रहो। देखो मैं तो जिंदगी भर वस्तु में इन लोगों से ही बचाता रहूंगा। ए तुम अंदर चलो। कहाँ जी? अंदर चलो, शादी करनी है। जब अरे पहले तुम अंदर चलो, मैं कह रहा हूँ ना। दीजिए आती हूँ, पीछा ही नहीं छोड़ते मेरा। पिक्चर देखने के टाइम पर बिजली चली गई। अच्छा हा? कल की बात कर रहा हूँ, चलो यहाँ से। सवाल पूछते रहते हो। ये तो सावन का महीना है, इस महीने में किसी की शादी नहीं होती, फिर इन दोनों को कैसे शादी के लिए परमिशन मिल गई? चलो चलकर देखता हूँ। अरे भैया यहाँ तो कोई और फिल्म चल रही है। खाइए। तुम भी खाओ। ये कैसा गांव है? यहाँ पे हर कोई बोतल तोड़ के मेरे को डरा रहा है इतना सा। तू जानता है क्या मेरे बारे में? हाँ बताऊँ तेरे को अभी। अरे ये तो मेरा भांजा यहाँ रहता है, इसलिए मैं इस गांव में आता हूँ, वरना तेरे जैसे की तो मैं शक्ल भी नहीं देखता। क्यों भांजे? मेरा भांजा पता नहीं कहाँ रह गया है। भांजे भांजे मामा? ये ले ये तू पकड़। क्या हुआ मामा? और ये तू
कैसा है रे भांजे? मैं बहुत अच्छा हूँ। भांजे तू सब कुछ अच्छे से जानता है ना, लेकिन दीदी को इसका कुछ भी नहीं पता है। पर दीदी हमारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे ऐसा लगा तेरा साथ छोड़कर दीदी के साथ रहने में ही ठीक समझा। पर अब मैं वापस यहीं रहूंगा और तुम लोगों का बच्चा होने तक पूरा ख्याल रखूंगा, और इसका भी मैं उतना ही ख्याल रखूंगा। अब तू मुझे वापस मत जाने को बोलना। भांजे इतना सा एहसान मेरे पे कर दे, मुझे अपने साथ रख लेना। अरे मामा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? चलो आओ। बिटिया ये देख तेरी सास ने तेरे लिए क्या भेजा है, कहा है कि मेरे पोते का ख्याल रखना। जब बच्चा पैदा होगा तो एकदम तंदुरुस्त पैदा होगा। चलो आओ मामा। चलो आराम से इधर लो, तुम चलो मैं लेकर आता हूँ। हाँ चलो आइए। चल भांजे बहुत बहुत उठाए ऐसे केले। अरे गंगा क्या हुआ? हाँ जी, सिर्फ ऐसा खाना खिलाएगी या फिर रोज खिलाएगी? क्यों? बहुत ही बढ़िया खाना था। अरे रे, दीदी के बोलने पर मैं यहाँ आ तो गया, पर पद्मा वहाँ पर बेचारी क्या कर रही होगी मेरे कुछ समझ में नहीं आता। उसे थोड़ी देर देखने क्या गया तो गांव में भी लफड़ा हो गया। वो गांव वाले वैसे ही गुस्से में धोड़ा लेंगे। चुपचाप सो जा। अरे बाप रे, ये सियार भी चिल्ला रहा है, उसे भी अंधेरे में कुछ दिख गया क्या? जल्दी डालो माजी, जल्दी करो। अरे कर रही हूँ ना। हाँ। उठा कर दो जल्दी जल्दी। अरे इसे जाने को बोलो। रेत वहाँ किनारे में डालो। चलो बड़बड़ कर रहा है ये। चलो उसे साइड में डालो। चलो दो ही हाथ है। बस बस। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ खुदाई करके उसकी मिट्टी किनारे में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ के गांव वाले बीच बीच में आकर परेशान कर रहे हैं। वो पानी जाने के रास्ते को बनाने के लिए कह रहे हैं। ऐसी बात है? एक मिनट। ओके। ए, तुम गंगा हो ना? मेरी छोटी बहन की क्लासमेट। मेरे घर आती थी, मुझे दीदी दीदी कहकर खुशी से पागल हो जाती थी। ये क्या, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मेरी बहन को बताए बगैर तुमने शादी भी कर ली, अब ऐसी तो क्या जल्दबाजी थी तुम्हें? ए जवाब दो। मेरी शादी कैसे हुई पता है आपको? क्या कह रही हो तुम? गांव से अलग कर दिया गया है तुम्हें? नॉनसेंस, तुम पढ़े लिखी लड़की हो ना, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि ये सब गैर कानूनी काम है? ऐसा नहीं होता। तुम अगर एक कंप्लेन करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए, रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे एरिया की सब कलेक्टर हूँ। कल सुबह ठीक 10 बजे तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं पुलिस को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। क्या लड़की है ये? छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? अभी क्या क्या होने वाला है देखना ना तुम। आ गए क्या इतनी जल्दी? देखो ना ये कितनी जल्दी बाजी करते हैं। ये जल्दबाजी करने में ही सही रहेगा। ये लो। अच्छा। ये इतना गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? पता नहीं क्यों। पता नहीं। सुनिए, जिससे मैं शादी करने वाला था उससे आपने कर ली, तो फिर इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ। जाओ ना बस। वैसे आप काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी। कौन आ रहा है? खेती बाड़ी का क्या काम है? एक मिनट, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। छोड़ते हो क्या? सुनरी सुनरी, अरे ये इस टाइम कहाँ जा रही है? इसका काम ही खत्म कर देती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? तू ऐसे दौड़ती हुई क्यों आ रही है, पहले मुझे वो बात बता। एक बात का पता है क्या, मेरा पहला मंगेतर जेल से छूट कर आया है। मेरे ऊपर पहला हक तो उसी का है ना, इसीलिए वो कहता लेकर घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार, मेरा इंतजार कर रहा है वो। अरे कुछ मत करो, पीछे के रास्ते से घर में आ जाओ। चलो भागो जल्दी। अरे जाओ, बाप रे। जल्दी जाओ। कुछ भी हो ये मुझे पसंद तो करती है ना। चलो निकलता हूँ। अरे बाप रे भागो। ये लीजिए।
पी लीजिए। इसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है ना? पी लीजिए, अच्छा ही रहेगा। क्या हो गया? मैंने कहा था ना हमें जुदा करने वाला आदमी हमारे रास्ते में आता है, वो आ गया है। अच्छा, तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वो बोल रहा है। आप फिकर मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा। आप लोग बस अपनी सुहागरात कंटिन्यू करो, लेकिन एक बात सुन लो, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना तुम दोनों। जब मैं आकर देखूंगा तो मेरे हाथ में एक प्यारा सा बच्चा होना चाहिए, सुंदरी। अरे दे, अरे दे, तुमने देखा वो यहाँ से क्या बोल कर गए? वो जब से जेल से आया है पागल हो गया है, 24 घंटे मुझे बच्चा चाहिए, गुड़िया का बच्चा भी नहीं दे पाएंगे। चलो उसे अब छोड़ो, हम लोग शुरू हो जाते हैं। लो पियो पियो पियो। बच जाओ, देखिए बचना वो मुझे। किसके पास? मेरे पति को मार डाला। अरे पापी, तूने इतने बड़े आदमी को मार दिया ना, इसके मांग का सिंदूर पोंछ दिया ना, अब इसका पेट कौन भरेगा? अरे मेरे, मुझे फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि कलेक्टर कभी हमारे घर आएगी, हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मामा, तुम गंगा को लेकर कलेक्टर ऑफिस चले जाओ मामा, और उनसे कहना कि हम लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। ए, क्या बोल रहे रे तू? कलेक्टर मैडम ने तुझे अपने पास बुलाया, इसका मतलब तेरे पास बढ़िया मौका है, इस मौके का इस्तेमाल कर। तेरे बाप को, उस बोने को, इसके बाप को, सबको जेल में डालकर हम अपने खेतों में आराम से काम करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, फिर तेरे को टेंशन क्या है? आप कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारे परिवार का मामला है। उस दिन मेरे पिताजी ने जैसा हंगामा खड़ा किया था ना, आज आप वैसा ही कर रहे हो। आज नहीं तो कल वो लोग मुझे अपना लेंगे, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। अपना लेंगे। गंगा, तुम कल कलेक्टर ऑफिस में चली जाओ, उनसे कहना कि ये मामला हम लोग खुद ही देख लेंगे, हमें किसी और की मदद नहीं चाहिए। ए, क्या बोल रहा है रे तू? मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ। कुत्ते, इंसानों की सोने की जगह पर तू क्या सो रहा है रे? कहीं और जाके सो। अरे जानते हो क्या, कलेक्टर के पास जांच करवाने के लिए आवेदन देकर आ रहा हूँ, सब कुछ रेडी रखना, समझा क्या? चल चल चल, सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतों को भी बदलने का बढ़िया मौका मिला है। ए, हाथ मत लगाना, काट के रख दूंगा। चल भाग 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 चल। ए मामा, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? नहीं भांजे, इन गांव वालों को भी अपने से डर लगना चाहिए, वो बोना भी तो आजकल हमको इज्जत नहीं दे रहा है, तुम्हें पता है? क्या हुआ, माँ को देख रहे हो क्या? शायद दीदी कहीं पे नहाने के लिए गई होगी। कौन घंटी बजा रहा है? ए माँ कहीं पर भी नहीं जाने वाली है, शाम को आकर देख लेंगे ना। बस आ गई, जल्दी कर जल्दी कर, साइकिल हटा हटा हटा। माँ जी, मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी, आया था क्या वो? हाँ बेटी, अभी आया था। तेरा बेटा, तेरी बहू और तेरा भाई तीनों आए थे, अभी अभी गए। इस खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है, कब आएगी वो? अरे उन्हें बस पकड़नी थी, बस में ही होंगे, जाके देख ले तू। जल्दी चलो जल्दी। क्या हुआ? आराम से। सावित्री, सावित्री, हे सावित्री, सावित्री, हे सावित्री, उठ सावित्री, हे सावित्री, 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 हे हे सावित्री, सावित्री, hey, hey, कोई है? जल्दी आओ। अरे अरे मात की, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सावित्री,
को छोड़ के चली गई। मेरी माँ को क्या हो गया? कोई क्या हुआ मेरी माँ को? नहीं हो सकता। मैं चेहरा ढकने जा रहा हूँ, जिसे भी देखना है देख ले, अंतिम दर्शन कर ले। बिना पीछे मुड़े जाइए मालिक। मुझे छोड़ कर कहाँ चली गई माँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अपने हाथ से अग्नि देना बेटा। भांजे तू ऐसे रोता रहेगा तो कैसे चलेगा? तू मत रो भांजे, तू अकेला नहीं है रे, तेरे भरोसे पर एक लड़की है, उसके पेट में एक नन्ही सी जान है। मैं अपनी माँ को अग्नि भी नहीं दे पाया। मेरा भरोसा कर भांजे, दीदी हमें छोड़ के कहीं नहीं गई है, वो बेटी बन के तेरे ही घर आएगी। ये क्या कह रहे हो? हाँ भांजे, ये मेरा भरोसा है, देख लेना मेरी दीदी तेरी बीवी के पेट से ही आएगी, ये मेरे यकीन है, उसे हम एक साथ मिलके बड़ा प्यार से पालेंगे। तुम सच कह रहे हो बाबा, मेरी माँ मेरी बेटी बनकर यहाँ आएगी? हाँ भांजे, मैं अपनी माँ के बिना नहीं जी सकता हूँ मामा, हम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे मामा, कहीं भी रह लेंगे मामा, माँ के बिना तो मैं मर जाऊंगा मामा। कल कलेक्टर मैडम को मिलने जा रहे हैं ना, आप सब लोगों को काम मैं दूंगी, इसलिए यहीं आकर के रह लो, ऐसा उसने हमको बोला था, लेकिन हमें वहां नहीं जाना भांजे। ठीक है मामा, मैं जाकर मैकेनिक सेठ को बोल कर आता हूँ, आप दोनों तैयार रहिएगा मामा, रात की बस से ही हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे मामा। करते हैं इस बच्ची को मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपनी बच्ची की तरह पालूंगी, अपनी जान छिड़कूंगी इस पर, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इस बच्ची को मुझे दे दीजिए, इस बच्ची को मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपनी बच्ची की तरह पालूंगी। भाई।
छोटे भाई के बच्चे की तरह नहीं पाला, अपनी बच्चे की तरह पाला था उसे। गलत किया है तुमने, गलत तरीके से पाला। उसकी मां मरी थी, उसी दिन उसका गला घोट देना चाहिए था, गलत कर दिया। अब वो भाग गई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका खून कर दूंगा, खून कर दूंगा उसका, नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं रे, पीछे हट, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं रे, इससे कुछ मत करना। ये लड़की पेट से है रे। पेट से है, आखिरी महीना है इसका, हम लोग इस गांव को छोड़कर जाने ही वाले हैं, हमारा भरोसा करो, हमें कुछ मत करना। क्या कहा, गांव छोड़कर? अब तो दुनिया छोड़कर जाएगा। चाचा जी मुझे मत मारिए, चाचा जी मैं मां बनने वाली हूँ। चाचा चल अब बता मुझे, कल तेरे पेट से जन्म लेने वाला बच्चा मुझे क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा मुझे? वो पैदा नहीं होगा, वो पैदा नहीं होगा, वो पैदा होने के बाद मेरी जाति को बदनाम नहीं करेगा, मैं उसे जन्म नहीं लेने दूंगा। अरे रे रे रे, पापा की सोना बेटी, अरे रे रे रोते नहीं, तू मेरी गोद में है ना, अरे रे 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 रे, सो जा सो जा सो जा सो जा बेटा सो जा, तूने मुझे बदनाम कर दिया, तूने मुझे बदनाम कर दिया। उसे आना चाहिए, उसे यहां पर आना चाहिए, मैं उसे काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसे माफ नहीं करूंगा मैं। यहां पर ये सब कुछ हुआ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जाओ पूरा साफ कर दो, जाओ जाओ जाओ। इसे यहां किसने बंद किया था? गंगा, 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 गंगा। ये क्या हो गया गंगा, किसने ये किया गंगा? हे भगवान मेरी गंगा को मार दिया, हे भगवान मेरी गंगा को किसने मारा? गंगा अब मैं कैसे जीऊंगा गंगा, उठो गंगा। गंगा मैं मर जाऊंगा गंगा, गंगा आगे खोलो, किसने ये किया, किसने किया ऐसा?
गंगा। भांजे, भांजे। मामा, 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 मामा नहीं, मामा। मामा, मामा बोलो ये किसने किया? मामा मुझे बताओ ये किसने किया मामा? बोलो मामा मुझसे कहो। लड़के के बाप ने और गांव वालों ने मिलके ये किया। माफ कर दे, मैं तेरे ए भागो, नहीं गंगा, गंगा, मामा, मामा, गंगा, मामा, नहीं, नहीं, गंगा, गंगा, नहीं, 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 नहीं,
सारे गवाहों को सुनने के बाद ये साबित होता है कि ये सारे खून पारितोष ने ही किए हैं। इसीलिए ये अदालत पारितोष को उम्र कैद की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। कुछ भी हो अपनी जाति वाला है, उसके लिए हम उसे छोड़ सकते हैं क्या? तो क्या हम भी उसके साथ मर जाएं? उसे जाने दो, उसकी बात मत करो, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। अरे जाने दो, छोड़ो भाई। अरे ये सब छोड़ो, इस लफड़े में छोड़ो, 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 जाने दो उसे। अरे हम बेकार में फंस जाएंगे। जाने दो, जाने दो। कोई देखने वाला नहीं हमारे बच्चों को, अनाथों की तरह पड़े हैं। भगवान, ये सब क्या हो गया? प्यार करना गुनाह है।